दोस्तों, अमेरिकन राइटर एमिली डिकिंसन ने जितनी भी पोएम्स लिखी है उनमें से मेरी सबसे फेवरेट पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये जो पोएम है ये दोस्तों बहुत ही छोटी सी पोएम है, जैसे एमिली डिकिंसन की हुआ करती थी पोएम। अमेस्क ऑफ पार्ट्स नाम के कलेक्शन में इसको पब्लिश करवाया गया था इस पोएम को। दोस्तों आज हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। छोटी सी पोएम है लेकिन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। शुरू करते हैं। दोस्तों ये पोएम मुझे एमिली डिकिंसन की बहुत पसंद है। एमिली डिकिंसन की जितनी भी पोएम से सबसे ज़्यादा ये पोएम पसंद है। हम लोग शुरू करते हैं। ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है एमिली डिकिंसन की, जिसे 1859 में लिखा गया और 1864 में इसको पब्लिश करवाया गया। इस पोएम में एक इमेज का यूज़ करके एमिली डिकिंसन बताने की कोशिश करती हैं कि सक्सेस का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने ज़िंदगी में हार देखी हो। अब पहली लाइन में क्या बोलती है एमिली डिकिंसन, ध्यान देना, गौर से सुनना। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट By those who never succeed। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं सक्सेस का असली मतलब वही समझ सकते हैं। सक्सेस उनके लिए बड़ी स्वीट होती है जिन्होंने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं देखी। ये है इन दो लाइनों का मतलब। और नेक्स्ट लाइन्स में बोलते हैं, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्ड सॉरेस नीड। मतलब कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना और नेक्टर का मतलब होता है अमृत। तो अमृत के टेस्ट को समझना है तो पहले बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, क्योंकि बिना उसके इसके टेस्ट की वैल्यू नहीं होती। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। इसका मतलब यह है, पर्पल होस्ट होता है एक विक्ट्री का सिंबल, और इन चार लाइनों का मतलब यह है कि आज जिस आर्मी ने लड़ाई जीत ली और जीतने के बाद अपना पर्पल होस्ट हवा में लहरा रहे हैं, वो फ्लैग लहरा रहे हैं, उस आर्मी, उस जीतने वाले आर्मी के एक भी जवान में से किसी से भी पूछ लो, उनमें से एक के पास भी क्लियर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि विक्ट्री क्या होती है। उनमें से एक को भी नहीं पता कि विक्ट्री क्या होती है, एक भी नहीं बता पाएगा जीत की सही डेफिनेशन। एज ही डिफीटेड डाइंग, जितना वही दूसरी आर्मी का मरता हुआ जवान बता सकता है, वो अच्छे से इस विक्ट्री का असली मतलब जानता है। दूसरी जो हारी हुई सेना है उसका जवान जो अभी मर रहा है वो इस विक्ट्री का असली मतलब जानता है। ऑन हूज फॉरबिडन एयर द डिस्टेंस ट्रेन ऑफ ट्रायम बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। इन लाइनों का मतलब ये है, और उस मरते हुए जवान के कानों में इस जीत की सेलिब्रेशन का साउंड जब पड़ता है तो उसके लिए ये बड़ा पेनफुल होता है। ये चीज़ उसकी एग्नी को बढ़ा देती है, क्योंकि वो जानता है ये जीत उसके लिए कितनी मायने रखती थी, कितनी ज़रूरी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर सक्सेस को एक पैराडॉक्स की तरह यूज़ किया है कि जितने ज़्यादा सक्सेसफुल तुम होते जाओगे उतना ही कम तुम सक्सेस की इज्जत करोगे। मतलब सक्सेस की इज्जत भी तुम्हारे लिए कम होती जाएगी। तुम सक्सेस का असली मतलब नहीं जानते अगर ज़िंदगी में तुमने हार नहीं देखी हो तो। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।